पश्चिम बंगाल के एक बड़े शहर में खास शीत ऋतु के आगमन का आभास देने लगा। परमहंस रामकृष्ण का एक शिष्य किसी शुभ कार्य के लिए धन संग्रह हेतु इस शहर में आने लगा, जिसके लिए की जा रही इस सभा में अध्यक्ष का पद ग्रहण करने एवं तत्पश्चात यथासाध्य मर्यादा अनुसार दान देने का प्रस्ताव लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों का एक दल एक दिन सुबह सुबह उपेंद्र को घेर कर बैठा हुआ था। जरा मैं भी सुनूं, ये शुभ कार्य क्या है? ये तो हमें भी ठीक से नहीं मालूम, किंतु स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि वे सभा में उपस्थित लोगों को समझाकर सब कुछ बताएंगे। जी जी हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। तुम्हारी सभा का सभापति भी बन जाऊंगा, लेकिन ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वहां जाकर मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। सभापति के आसन पर बैठ जाऊं, सभा का उद्देश्य ना जानू, ये बात जस्ती है मुझे। क्यों, तुम लोगों का क्या ख्याल है? बोलो। अरे ये कहां सुना जा रहा है? अरे कहाँ थे इतने दिनों से, हाँ दिखाई नहीं दिए? यहाँ नहीं था उपेंद्र, चाचा के पास इलाहाबाद जाना हुआ था, शायद मन के खुशी फिर तो होगी क्यों ना, बेचारे को इस बार भी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। वैसे कितने साल हो गए हाई स्कूल में सीट थी? भूपति बाबू, दुख तो तब होता है जब मन हो, मन माने आशा या इच्छा, और नहीं पास होने की इच्छा या आशा वो तो मैंने होश संभालने के बाद ही छोड़ दी थी। हाँ मेरे बाबा जरूर अभी तक नहीं छोड़ पाए, सुन पड़ता, लेकिन विश्वास कीजिए उपेंद्र, इस बात तो वो भी समझ गया। तो तुझे पढ़ना छोड़ दिया? मैंने उसे पकड़ाई का हुआ था उपेंद्र, मैं पढ़ाई लिखाई से कभी नहीं चुपता, अब तो बस किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां स्कूल नहीं लाऊ, लेकिन मनुष्य को कुछ कहना तो चाहिए, तो खाली बैठ सकता है क्यों बैठूंगा? इलाहाबाद में अपने मतलब का काम ढूंढ कर आ रहा हूँ, देखता हूँ कर पाऊंगा या नहीं। हमारे गांव में जैसे मलेरिया का प्रकोप है ना, वैसे ही है, बार बार महामारी होती है, समय पड़ने पर 5 साल गांव में भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहां जाकर होम्योपैथी का इलाज करूंगा, मरते समय मेरी मां मुझे कुछ 1000 रुपए दे गई, उन रुपयों से मैं गांव में दवा खत्म करूंगा। सुना तो पहले तो देखना, ये काम मैं करके दिखाऊंगा, पिताजी को भी राजी कर दिया। महीने भर बाद जाकर कलकत्ते में होम्योपैथी के स्कूल में दाखिला ले लूंगा। अकेले फिर क्यों? अरे वो है ना अपने विपिन बाबू, आपके शहर के नवनाटे समाज के अध्यक्ष, उन्होंने ही मुझे तान देकर यहाँ बुलाया, एक बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे, उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी, और मैंने भी वादा कर लिया है कि कॉन्सर्ट समाप्त होने तक मैं किसी और काम में हाथ नहीं डालूंगा। इतना जरूरी हो गया? जरूरी तो क्या, बस एक बांसुरी बजाने वाले की जरूरत थी, इसलिए दिवाकर के पास आया था। ओ तो फिर उसके कमरे से निकल के चुपके चुपके भाग रहे थे क्या बात उसने? अरे कहेगा क्या दादा, बड़ी परीक्षा का बात है। दादा एक बात मेरी समझ में नहीं आती, 2 साल की पढ़ाई एक रात में कैसे चुप हो सकती है? अगर तुम लगातार दूसरे से पढ़ते आए हो तो एक रात जरा सी देर के लिए बांसुरी बजा दोगे तो वह सारी की सारी पढ़ाई नष्ट हो जाएगी। सतीश तुम गुस्सा मत करना, मैंने तुम्हें जितना जानता हूँ ये लोग उसका चौथाई भी नहीं चाहते,
क्रिकेट फुटबॉल अखाड़ा जिमनास्टिक्स, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारी शागिर्दी नहीं की, तुम्हारे कितना सारे वक्त बर्बाद होते देखा है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें कितनी सारी परीक्षाएं भी तो देती देखी है, सब में फर्स्ट लेते देखा है, स्कॉलरशिप लेते देखा है, लेकिन फिर भी इधर उधर के काम में तुम्हें कभी भी परीक्षा की तुम्हारी नजर नहीं सुना। मैं भी यही सोचता हूँ दादा कि ये एक चीज कैसे छूट गई, बड़ा आश्चर्य होता है। वो सब छोड़, ये इतनी धूप में तुम लोगों की मीटिंग? तो हाँ उपेंद्र बाबू, धूप वाकई काफी चढ़ाई है। अच्छा चलते हैं। और आप भी बाबू, आपको भी आना होगा और साथ ही चंदे की आप पर दस्तखत भी करना होगा। कहाँ आना होगा और क्यों? ये बात तो मैं अभी नहीं बता सकता कि तुम्हें परसों अपने कॉलेज के हाल में हमारे स्वामी जी स्वयं सब समझा देंगे। तो भाई मैं ना समझ सकूंगा, परसों हमारी ड्रेस ले लसन, अगर ना सका तो चलेगा ना। जरा से नुकसान के लिए आप इतने महान कार्य में सहयोग देंगे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोगों का क्या है भूपति बाबू, लोग तो बिना सुने बहुत कुछ कहते हैं। बात लोगों की नहीं है, बात आपकी है। आप ही बताइए, जिस बारे में मेरे को जानता नहीं उसे भाग कैसे? स्वामी जैसा महान आदमी महान बात ही करेगा, इस पर विश्वास करना तो मुश्किल है क्या? मानता हूँ बाबा, पर अब देखे ना, दसवीं पास करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी चार साल से नहीं कर पाया। वैसे इन स्वामी जी को आप लोगों ने पहले कभी देखा है? देख लीजिए, एक गेरुए वस्त्र के अलावा उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और आप लोग हैं जो उनके दीवाने होते चले जा रहे हैं। सतीश बाबू, संसार में सब चीजों के लिए सबूत नहीं हुआ करते, आप जब संगीत का सांस रखते हैं तब क्या कोई रसा स्वादन मिलता है? बिल्कुल ठीक, संगीत सीख कर मीठा रस प्राप्त करने का आदर्श अगर मेरे सामने ना होता तो मैं कभी सामने सकता, वकालत के पेशे में वकील की गर्व ना होती तो उपेन्द्र बाबू इतनी मेहनत करके वकील क्यों बनते? आसानी से मास्टर बन सकते थे। सतीश बाबू आपसे बस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, और वैसे भी इस कड़ी धूप में खड़े होकर तक वितर होगा भी कैसे भूपति बाबू, आगे आगे तो चलो। लगता है आप ईश्वर को भी नहीं मानते। ले लीजिए उपेन्द्र, इस बार तो भूपति बाबू ऐसी जगह जहाँ पहुंचे जहाँ मेरी तरह के 10-12 कुत्ते भी इनके पास भटक न सकते। ठीक किया भूपति बाबू, ठीक किया। चोर चोर के खेल में अगर कोई पकड़ाई में ना आए ना तो बुढ़िया को छू देना ही ठीक रहता है। ये तो क्या बुढ़िया बुढ़िया कर रहा है सतीश, तेरी संध्या से मेरी बातें सुनकर तो कोई भी कहेगा तू ईश्वर को नहीं मानता। बाप रे बाप, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा? रिहर्सल खत्म होने के बाद जब आधी रात को शमशान के पास से लौटता हूँ ना तो डर के मारे छाती में खून जाता है। ऐसे ना तुम्हें वो तो मानूंगा और भगवान को नहीं मानूंगा? भूत और भगवान आपके लिए एक ही? बिल्कुल एक है। छोटा सा निरंकारी ब्रह्म मानो या फिर देहधारी 33 करोड़ देवी देवता, एक ही बात है, सब एक ही संजीव से बंधे हुए हैं। एक को खींचो तो सबके सब खींचे चले आते हैं। स्वर्ग इन लोक पर लोक आत्मा परमात्मा, फिर कब्रिस्तान के भूतों को कैसे रोकोगे? अरे कालीघाट के भिखारियों को ही देख लो, एक को पैसे दोगे तो पल भर में सारे के सारे आकर घेर लेते हैं। ईश्वर को मानू और भूत प्रेत से न डरू, इतनी हिम्मत मुझे नहीं है भूपति बाबू। अरे तुम क्यों हंस रहे हो जी? जी बाबू जी ने भेजा है, कहती है तो कहीं बीत चली है, अभी तक किसी को भी खाने का होश नहीं। तो जी उन्हीं से पूछ लीजिए, वो उधर खाई है। उपेंद्र की पत्नी सुरबाला, प्यार से इन्हें सब पशुराज कहते हैं, पशु भी कहते हैं क्योंकि पशु पक्षियों से इन्हें बेहद प्यार है। क्यों? आपके खाना न खाने से कितना कष्ट होता है तू? वो प्यार से बेचैन नौकरानियाँ कब से आंगन में चिल्ला रही है और रसोईया फिर से काम छोड़ने की धमकी दे रहा है। अच्छा। स्वामी कहते उसे काम कर। अरे
बड़े भाई, इनके पति भी वकील हैं। बड़े भैया कचहरी जाने के लिए तैयार हैं और हमेशा की तरह भाग दौड़ में केस की तैयारी करते करते ही खाना खाएंगे। कचहरी में बहुत काम है भाई। बच्चे क्या हो रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या बच्चे, इतना बड़ा वकील बन गया अभी तक बचपन गया नहीं। दिन 12 से पहले तो बिस्तर से उठते हैं और जब उठते हो तो घर बाहर लग जाते क्योंकि लोग हमेशा परेशान करते रहते। कचहरी के लिए आ गए कि नहीं? जी जी फिर जी जी क्या जाओ चाची बाबू को जल्दी यहाँ भेजो। किस लिए? वो इसलिए कि एक आध शतरंज की बाजी हो जाए। इस घर के मालिक उपेंद्र के पिता दिन भर शतरंज खेलते हैं और उसमें अपने घर के पुजारी भट्टाचार्य को बुलाया है। भट्टाचार्य बाबू बड़ी देर करती हूँ, बैठिए बैठिए। अरे बाजी हो जाए। बाजी दर बाजी होते होते सूरज सिर पर चढ़ता है और पूजा पूजा चमकी तय धरी रह जाती है। महेश्वरी उपेंद्र की बड़ी बहन और इस घर की मालिक है। विधवा होने के बाद यहाँ का संसार इन्हीं ने संभाल रखा है। खेल की झूठ में पिता को खुश देखकर ये कभी कुछ नहीं कहती। इसी तरह रोज भट्टाचार्य जी को पूजा करने के लिए बुलाने आती है और उल्टे पानी में लग जाती है। पुराने समय में इनका एकमात्र सहारा है दिवाकर। दिवाकर उपेंद्र के मामा का लड़का, बचपन से अनाथ, माता पिता कोई नहीं सो इन्हीं के यहाँ रहकर पढ़ता है। बस इसी पर जोर चलता है इनका। रोज रोज पूजा का चक्कर तो दी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई का जुम्मन का शुभ तो पहले चल मेरे साथ। प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब है, आ ही नहीं। चलो जान बची वरना आज भी उनकी डांट सुननी पड़ती। तुमने अपनी अटेंडेंस देखी? अगर परीक्षा पास आ रही है देख लो अटेंडेंस पूरी है या नहीं। ये तुमने ठीक कहा। चलो आज हम लोग यही देखते हैं। गेट तो खाली है। अरे क्या बात है? आज मैंने पापा ठीक से पूछा थी। जल्दी जल्दी में बस यू ही सीधा टैक्स चला है। बिल्कुल इसमें थोड़ा जल्दी में पूजा ठीक से नहीं की ना सो यहाँ गंगा के घाट पर आकर उसकी भरपाई कर रहा हूँ। पूजा ठीक से किए बगैर इसके मन का बोझ हल्का कैसे होगा?
सतीश बाबू के पक्के दोस्त विपिन बाबू को महफिलें सजाने का बड़ा शौक और सतीश बाबू की महफिल की जान बात नहीं बनती फिर भी इतनी देर कचके आए हो वो बात नहीं विपिन बाबू ये मेरे सपने बनने का पूर्ण बाबू अब क्या कर दिया उन्होंने करेंगे क्या बाबा से कुछ ना कुछ बनता है सोतेले और फिर बड़े भी हैं चाहते होंगे क्या तरकीब की जाए कि तुम्हें इतनी बड़ी जायदाद से बेदखल कर दे मुझे यहाँ रहना भी नहीं है बाबू कल तुम भूमि पर सीखूंगा हाँ और फिर अपने जिम्मेदारी के काम से जाऊंगा हाँ बड़ी गरीबों को अस्पताल खोलूंगा अरे 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 यार भगवान मत बन जाओ इतने जरा हारमोनियम पर सुर तो जमा दो कब से लोग तुम्हारे इंतजार में है अरे नहीं बाबू अभी तो ये सुनिए ना सतीश बाबू हम तो आपका नाम सुन के आए हैं जी मैं
सुंदर गाते हैं आप विपिन जी। जी इन्हें हमारे कल के प्रोग्राम में नहीं लाइएगा? नहीं, कोई प्रोग्राम बात नहीं, मैं इसे ही छोड़ा। तो फिर आपके साथ मुलाकात नहीं होगी? हो सकती है, किंतु कलकत्ते में तुम सतीश Thank you.
रही हूँ।